अब देखिए जो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होती है इसका क्या मतलब है ये समझते हैं हम लोग, और इन्वर्स निकालने को भी आता है। तो लिखा है इफ़ ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, एक मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये ध्यान रखिएगा हमारी जो इन्वर्टिबिलिटी आती है वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आती है। अगर ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो ये इन्वर्टिबल नहीं होती। क्यों नहीं होती अभी हम समझ भी लेंगे इसको, लेकिन पहली बात समझ लेते हैं। तो इन्वर्टिबिलिटी के लिए कैसी मैट्रिक्स चाहिए? स्क्वायर। अगर ये रेक्टेंगुलर है तो ये इसका इन्वर्स नहीं निकल पाएगा। तो इफ ए इज ए स्क्वायर, अच्छा अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमेशा इन्वर्टिबल हो ऐसा भी नहीं है। क्या कहने का मतलब है कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो इन्वर्टिबल हो सकती है और नॉन इन्वर्टिबल भी हो सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि उसको इन्वर्टिबिलिटी उसकी मौजूद ही हो, ठीक। लेकिन अगर स्क्वायर की जगह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कभी भी इन्वर्टिबल नहीं होगी, कभी भी इन्वर्टिबल नहीं होगी, पक्का है। इसमें होगी भी नहीं भी होगी, ठीक है श्वेता। अब अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसको इन्वर्टिबल होना है तो क्या होना चाहिए? अगर वो होगा तो इन्वर्टिबल होगी, और नहीं होगा तो क्या होगा? नॉन इन्वर्टिबल होगी। तो होने के लिए क्या चीज़ चाहिए? अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एम है, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एम है, जैसे ये एक मैट्रिक्स है स्क्वायर जिसका ऑर्डर टू है। स्क्वायर मैट्रिक्स में टू बाई टू बोलने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि दूसरा सेम ही होता है। तो बोला ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू। इफ देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, एक कोई मैट्रिक्स है किसी ऑर्डर एम की, और हम मानते हैं कि कोई ऐसी मैट्रिक्स अगर है हमारे पास जो उसी ऑर्डर की है, और ऐसी सिचुएशन बन जाए ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, फिर बी ए का मल्टीप्लीकेशन बराबर हो और साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले, इसी ऑर्डर की मिलेगी एम ऑर्डर की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी थी? प्रिंसिपल डायगोनल 1 1 1, बाकी सारी चीज 0, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन बन जाए तब हम बोलते हैं कि जो बी है वो ए का इन्वर्स है और जो ए है वो बी का इन्वर्स है। देन बी इज कॉल्ड द इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ ए एंड डिनोटेड बाई ए इन्वर्स, यानी ए का इन्वर्स कैसे डिनोट किया जाएगा? ए माइनस वन से, ठीक, और बी का इन्वर्स बी माइनस वन से। तो ये बी क्या हो गया? ए इन्वर्स के बराबर हो गया। ये हुआ ना, बी इज द इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्स। और इसी तरह बोल सकते हैं ए इज द इन्वर्स ऑफ बी, तो उस केस में बी इन्वर्स इज इक्वल टू ए हो गया, तो इन्वर्टिबिलिटी होगी। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? ये कंडीशन मैच होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन मैच नहीं होती है तो वो नॉन इन्वर्टिबल हो जाएगी, उसका इन्वर्स नहीं निकलेगा फिर, ठीक है। और रेक्टेंगुलर अगर है तो निकलना ही नहीं है। देखिए रेक्टेंगुलर है तो क्यों नहीं निकलेगा? मान लीजिए एक मैट्रिक्स आपने ली और उसका ऑर्डर है मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, और इसका ऑर्डर आ गया 2 रो 3 कॉलम। एक दूसरी मैट्रिक्स ली सेम ऑर्डर की ले लिए, चलिए तो अगर सेम ऑर्डर की हम ले लें 7 8 9 10 11 12, इसका कितना हो गया? 2 बाई 3, ठीक है। अब हम ए बी निकालने गए तो ए बी निकालने गए तो ए बी इज पॉसिबल, क्योंकि 3 3 बराबर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब यहां हमें 13 14 15 3 बाई 3, इसको 3 बाई 2 करो जैसे दोनों पॉसिबिलिटी बने, ठीक है। ये मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में इसका कॉलम इसकी रो के बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। आपने मल्टीप्लाई किया और करके एक वैल्यू निकाली, कौन सी वैल्यू निकली? 2 बाई 2 मैट्रिक्स। बात समझ में आती है? अब हमने बी ए निकाला तो बी ए में इसका कॉलम इसकी रो के बराबर है, ठीक। हमारे पास किस ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलने वाली है यहाँ? 3 3 cos 3। क्या ये दोनों मैट्रिक्स बराबर होंगी? होंगी ही नहीं, कभी नहीं होंगी।
तो ये आपस में कभी बराबर होगा ही नहीं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में, इस वजह से बाकी की तो बात ही खत्म हो गई, यही फेल कर गया। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कभी भी इन्वर्टिबल नहीं हो सकती, स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। ये फंडा पकड़ में आया कि नहीं, ये जो हमने किया पकड़, सचिन समझ गए हो ये? तो ये बात जब हमने सीख ली तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, बुक का ही एग्जाम्पल है जिसमें दो मैट्रिक्स दी गई हैं, ए इज इक्वल टू 2 3 1 2 और बी इज इक्वल टू 2 -3 -1 2, और हमको देखना है कि क्या ए बी आपस में एक दूसरे के इन्वर्स हैं। एग्जाम्पल ही है तो आप पहले निकालेंगे ए बी, तो ए बी निकालने का रो इनटू कॉलम, तो बताओ जो सचिन क्या लिखें, रो कॉलम 2 × 2 = 4 हैं, 2 × 2 = 4 और 3 × -1 - 3 तो 4 - 3 = 1, भाई समझ में आई? फिर रो इंटू कॉलम 2 × -3 - 6 3 × 2 = 6 0 आ गया। फिर इधर 1 × 2 = 2 2 × 1 - 2 फिर 0 आ गया। आ रही बात समझ में? नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर चालू हुए रो इंटू कॉलम, 1 को -3 से किया -3 2 को 2 से किया 4 आंसर 1 आ गया। तो ए बी इज इक्वल टू क्या मिल गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन अभी बी ए निकालना बचा है, अभी ए बी इज इक्वल टू आई आया है, बी ए नहीं पता है, अब हम बी ए फाइंड करेंगे। तो ये दोनों मैट्रिक्स दो बाई दो ऑर्डर की हैं इसलिए मल्टीप्लीकेशन संभव होगा ए बी बी ए दोनों का। अब हमने बी इंटू ए किया, इसका रो चलाया इसका कॉलम चलाया, तो 2 × 2 = 4 और -3 × 1 - 3 यानी आंसर आया 1। फिर हमने शुरू किया रो इंटू कॉलम -1 × 2 कितना बना? -2 और 2 × 2 = 4 सॉरी 2 × 1 = 2 कितना आंसर आया? रो इंटू कॉलम ना इसको लेके चलो जी, हाँ 2 × 2 ये अगला वाला यहाँ वाला लिख लो, चलो 2 × 3 तो 2 × 3 = 6 0। फिर अगला नीचे वाला पकड़ लेते हैं -1 × 2 - 2 2 × 1 = 2 0 फिर रो इंटू कॉलम तो -1 × 3 - 3 2 × 2 = 4 यानी 1। तो यहाँ हमें क्या दिखाई पड़ा? ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। इसका मतलब क्या है? जो बी मैट्रिक्स है वो ए का इन्वर्स है, और इसी तरीके से जो ए मैट्रिक्स है वो बी का इन्वर्स है। इस तरह से इन्वर्स निकल आएगा। क्लैरिटी हुई ना इन्वर्टिबिलिटी देखने के लिए? ये चीज़ हमको करनी पड़ेगी, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। अगर ये है तो इन्वर्टिबल है, और नहीं है तो इन्वर्टिबल नहीं है। अब छोटी छोटी दो बातें और बनती हैं जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं आपसे, वो हम करते हैं। एग्जामिनेशन में प्रूफ भी आता है सीधे सीधे इसका। अब देखिए अगला जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स हमारे पास है तो क्या वो इनवर्स यूनिक है? तो इसका जवाब रहता हाँ, वो इनवर्स यूनिक होता है। यूनिक होने का मतलब है उसका दूसरा इनवर्स नहीं हो सकता है। जो एक इनवर्स निकलेगा वही इनवर्स होगा, दैट इज यूनिकनेस ऑफ द इनवर्स। ठीक है, एक का इनवर्स जो आएगा वही होगा, उसका दूसरा इनवर्स नहीं हो सकता। इसको प्रूफ कैसे करेंगे? एग्जाम में डिट्टो सवाल आ जाता है प्रूफ करने को, प्रूफ दैट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इज यूनिक। तो ये चार लाइन करनी रहेगी आपको। तो इन यूनिकनेस ऑफ इनवर्स को प्रूफ कर रहे हैं। एक मैट्रिक्स लेते हैं एम ऑर्डर की, ए आई जे से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम बी और सी उसके दो इनवर्स ले लेते हैं, जैसा कि हम मान के चलने के दो इनवर्स होंगे उसके। अब देखते हैं ये सच है कि गलत है। अब सी अगर इनवर्स है तो बाई डेफिनेशन ए बी अगर इनवर्स है तो ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई, अभी देखा था हमने। सिमिलरली अगर सी भी इनवर्स है तो ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आई। ठीक, अब यहां पर हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को बी से प्री मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए प्री मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है? रियल नंबर में तो कोई दिक्कत नहीं होती, जैसे रियल नंबर लिखे एक्स इक्वल टू वाई
आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई बाई इंटू, तो लिख देते हैं 2x बराबर 2y, या लिख देते हैं x इंटू 2 इज इक्वल टू y इंटू 2, तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। जब हम किसी मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे लिखा a इज इक्वल टू b और हमने लिखा प्री मल्टीप्लाइंग में मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करना चाहिए, तब कर पाएंगे मल्टीप्लाई, वरना नहीं कर पाएंगे, वैलिडिटी वो, ठीक है। तो प्री मल्टीप्लाइंग बाई सी, मैट्रिक्स सी, स्केलर नंबर नहीं है, एक मैट्रिक्स है हमारे पास सी, तो उसको लिखेंगे सी ए इज इक्वल टू सी बी प्री मल्टीप्लाई। अगर हम लिखेंगे पोस्ट मल्टीप्लाई बाई मैट्रिक्स सी, तो हम उसको लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू बी सी। दोनों बातें अलग अलग हैं, एक जैसा मत समझ लेना, रियल नंबर जैसा नहीं होता इसमें। हाँ, इस केस में मल्टीप्लीकेशन जो कर रहे हैं वो वैलिड होना चाहिए, वो होल्ड करना चाहिए। होल्ड करने का मतलब ऑर्डर देखते हैं ना मल्टीप्लीकेशन में, कि पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले की रो के बराबर हो, ये चीज़ होनी चाहिए। ये बात समझ में आई? अब इस केस को देखते हुए हम लोग क्या करते कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या करें, प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं बी से, प्री मल्टीप्लाइंग बाई मैट्रिक्स बी, ओके। इनवर्स है तो सेम ऑर्डर की आएगी इनवर्स भी। अब बी से मल्टीप्लाई किया तो इसको क्या लिखा, बी ए सी इज इक्वल टू बी सी ए इज इक्वल टू बी इंटू आई, प्री मल्टीप्लाई तीन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे, अब आप यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ लगा सकते हैं। मैट्रिक्स में देखा था कि बी ए सी है तो क्या लिख सकते हैं, बी ए इंटू सी, तो यहाँ पर क्या कर सकते हो सचिन, बी ए इंटू, ठीक है, यह आपने मल्टीप्लीकेशन कर दिया इस तरीके से। अब देखिए आगे, आगे अगर इन दोनों की बात की तो बी ए की जगह क्या लिख सकते हो, आई, ये बन जाएगा आई सी, इन दोनों वैल्यू को ले लेते हैं साथ में, ये बन गई आई सी इज इक्वल टू बी, और आई सी का मतलब सी, यानी सी इज इक्वल टू बी, तो जब भी ऐसा होगा बी इज इक्वल टू सी होगा ही होगा, ठीक है। बीच वाला जो पोर्शन आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं आता, क्योंकि हमारी ये वैल्यूज तो बराबर ही है, बेसिकली वो भी इसके बराबर होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बी सी है, सी ए लगा दो इधर चाहे इधर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमारा बी इज इक्वल टू सी आ गया, और बी इज इक्वल टू सी आ गया तो श्वेता इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि बी और सी बराबर हैं। बी सी बराबर होने का मतलब है ये यूनिक इनवर्स है, अलग अलग इनवर्स इसके पॉसिबल नहीं हो सकते। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए देखते हैं अब अगली बात जो है उसमें बोल रहा है, ये भी थ्योरम एग्जामिनेशन में बोर्ड एग्जाम में आया है प्रूफ करने के लिए, क्या है, इफ़ ए एंड बी आर इन्वर्टेबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन प्रूव दैट ए बी का इनवर्स जो है बी इनवर्स ए इनवर्स है, ठीक। अब क्योंकि ए बी का इनवर्स की वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब ए बी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तभी तो इसके बराबर होगा, तो हमने बाई डेफिनेशन इस चीज़ को यूज़ कर लिया। हम डेफिनेशन में पढ़े हुए थे ना, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, यानी ये ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होगा। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? अब ये इनवर्स इसके आई के बराबर है, इसको हमने प्री मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स से। प्री मल्टीप्लाई का मतलब आप समझ चुके हैं, ए इनवर्स इधर और यहाँ पर भी ए इनवर्स। अब यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ लग गया, तो ए इनवर्स और ए को साथ में ले लिया, बी इधर आ गया और ए बी इनवर्स लिखा है, और ए इनवर्स की वैल्यू अगर आई से मल्टीप्लाई होगी तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इनवर्स ही बचेगा। अब ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आई, और बी इंटू ए बी इनवर्स की वैल्यू लिखी रहन दी, इनवर्स इधर आ गया, आई हट गया क्योंकि वैल्यू वन ही आनी है उसकी, वन का मतलब है एंटी मैट्रिक्स है, तो बी ए बी इनवर्स की वैल्यू होगी बी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब इसमें हमने फिर से प्री मल्टीप्लाई कर दिया बी इनवर्स का, तो बी इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन आपने किया तो ये वैल्यू बन गई बी इनवर्स बी, फिर ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, और यहाँ पे फिर से आपने क्या देखा, बी इनवर्स बी क्या होता है, आई। ये सिचुएशन बनी, आई का मल्टीप्लीकेशन इससे यही रिजल्ट देने वाला है, तो ए बी इनवर्स आ गया इज इक्वल टू बी इनवर्स ए, यही आपको प्रूफ करना था। बोर्ड एग्जाम में दोनों ही क्वेश्चन आ चुके हैं, दोनों थ्योरम्स, इसलिए इन थ्योरम्स को सीख लीजिएगा, कभी कभी ये आती रहती हैं, ठीक है ना। पहली वाली क्या थी, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स,
ऐसी स्टेटमेंट ही लिखी आ जाएगा कि प्रूव दैट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इज ऑलवेज यूनिक. अब उसको प्रूव करना पड़ेगा, या सीट में ये लिख देंगे आपको, इसको प्रूव करिए आप. तो ये आपको आइडिया होना चाहिए. अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उसके इनवर्स के बारे में क्या कह सकती हूँ श्वेता? इन्वर्टिबल नहीं होगा, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, फिर किसका करता है अभिनव? पक्का करेगा? पक्का करेगा जरूरी नहीं है, उसका इन्वर्स हो भी सकता है. अगर ए बी इज़ टू बी ए इज़ टू आई है तो होगा, और अगर नहीं है तो नहीं होगा. तो स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है तो उसमें इन्वर्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. लेकिन अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो पक्की तौर पे नहीं होगा. ठीक है, इन्वर्टिबिलिटी की ये बात थी. उससे पहले आज जो पढ़ाई की थी वो थी बेसिक एलिमेंट्री रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस. रो और कॉलम मिला के 6 होते हैं, या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस. बात समझ में आ रही पूरी जहाँ तक लेके गए हैं? अब हम ये देखेंगे कि एलिमेंट्री रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशंस को हम लगाते कैसे हैं. क्यों लगाएंगे? क्योंकि हम यहाँ इन्वर्स निकालना चाहते हैं. और ये कभी कभी 6 नंबर में एक बड़ा सवाल आता है कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस. 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है पूरा पूरा ये. तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए. ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो लगाएंगे उसको लगाने के समय इन्वर्स में कैसे फाइंड करते हैं. वी आर अप्लाइंग द एलिमेंट्री ऑपरेशंस या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन टू फाइंड आउट द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स. क्या रूल है उसका? ठीक,